हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मैं अडोबी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करेंगे व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग। सो एज द नेम स्पेसिफाई, फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। सो फंक्शनैलिटी इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम करना चाहिए, वही सब हम टेस्ट करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास एक एप्लीकेशन है, सो मुझे यहाँ इसकी एफटी करनी है, यानी फंक्शनल टेस्टिंग करनी है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे चेक करना है सर्च फंक्शनैलिटी। सो मैं उसके लिए सर्च फील्ड में कोई भी टेक्स्ट एंटर करता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो वहां पे उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, लाइक दिस। इसके बाद यदि आप कोई भी वर्ड यहाँ पे प्रेस करते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर किया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए कि इस नाम से कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, देर इज नो प्रोडक्ट दैट मैचेज द सर्च क्राइटेरिया। सो यानी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है आपकी सर्च फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस केस में चेक करना है लॉग इन फंक्शनैलिटी। सो इसके लिए मैं नेविगेट करूंगा लॉग इन पेज पे, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा जो मैंने रजिस्टर किया था, लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये लॉग इन हो जाना चाहिए, आपका अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए। सो आपका लॉग इन फंक्शनैलिटी भी अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद मुझे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉग आउट फंक्शनलिटी चेक करनी है। सो मैं नेविगेट करता हूँ माई अकाउंट सेक्शन पे, क्लिक करता हूँ लॉग आउट सेक्शन पे। सो जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाना चाहिए, तो आपका लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी अच्छे से काम कर रही है। इसके बाद यदि आप कोई और फंक्शनैलिटी चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव केस ही इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अंदर आप नेगेटिव केसेस भी इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे दोबारा से चेक करनी है लॉग इन फंक्शनैलिटी, मैं यहाँ पे देता हूँ भी इनवैलिड डेटा, मैंने यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर किया, देन मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। सो ये आपका लॉग इन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वार्निंग मैसेज आपको मिल चुका है, नो मैच फॉर ईमेल एड्रेस एंड और पासवर्ड। सो यानी ये आपका अच्छे से काम कर रहा है लॉग इन फंक्शनैलिटी। सो ये आपका है फंक्शनल टेस्टिंग। बट जो भी फंक्शनल टेस्टिंग हम करेंगे उसके लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें क्लाइंट से मिलती है। सो हमें फंक्शनल टेस्टिंग चेक करनी है, हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है एप्लीकेशन की एज पर द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। जैसा हमें रिक्वायरमेंट मिली है क्लाइंट के एंड से, वही या उसी तरीके से वो एप्लीकेशन काम करनी चाहिए, तब आपका फंक्शनल टेस्टिंग पास है, अदरवाइज वो फेल है। एंड फंक्शनल टेस्टिंग को हम जो भी हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी किया मैन्युअली, सो इस टेस्टिंग को आप ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई वेब एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप सिलेनियम यूज कर सकते हैं, यदि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप एपीएम यूज कर सकते हैं। ये आगे आने वाली वीडियो में है, या आगे आने वाले प्लेलिस्ट में या कोर्सेज में हम सीखेंगे जावा विद सिलेनियम। सो उस वेब सीरीज के सॉरी उस सीरीज के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं कि कौन कौन से टाइप फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पे काफी सारी टेस्टिंग टाइप हैं जो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आती है, या यहाँ मैंने कुछ मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग। ये जो भी टेस्टिंग मैंने यहाँ पे अभी आपको बताई है, इसमें से ऑलमोस्ट हम पहले कवर कर चुके हैं, जो अभी रह चुकी हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो ये था आपका पूरा फंक्शनल टेस्टिंग, कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, कैसे हमें फंक्शनल टेस्टिंग करनी होती है, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी होती है।
एंड फंक्शनल टेस्टिंग जो बेसिकली परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ टेस्टर लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। सो ये था आपका फंक्शनल टेस्टिंग। यदि आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में कोई भी डाउट है सो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मुझे लिंक्डइन पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहां पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।